आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको तीन प्लेन्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है लैम्डा की क्या वैल्यू होगी ताकि ये तीन प्लेन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लें। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म होता कैसा है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो बेस होता है एंड ये देखिए, ये हमने बेस बना दिया है एंड ऐसे ही अपर साइड जो होगा, अपर फेस होगा, अपर बेस बोल सकते हैं अपर। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों ट्रायंगुलर होते हैं। ठीक है, तो अब इनके हम कॉर्नर पॉइंट्स मिला देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसको इससे मैच कर लेंगे एंड इस वाले को इससे, तो ये एक बन गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, तो ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब ध्यान दीजिए, इसके हम नाम लिख देते हैं, तो नाम में तीनों के नाम कर देते हैं। तो नीचे वाले को नाम दे देते हैं इसको ABC, नीचे वाले बेस को। ठीक है, एंड ये जो एक है, इस वाले को नाम दे देते हैं D, ये पॉइंट EF। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो प्लेन्स बन रहे हैं, देखिए ये नीचे वाले बेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेन बन रहे हैं, एक प्लेन तो बनेगा ADFC। ठीक है, तो एक प्लेन हो जाएगा ADFC। ठीक है, दूसरा प्लेन होगा ये नीचे देखिए, तो हो जाएगा BEFC, तो एक प्लेन हो जाएगा BEFC, ये नीचे वाला प्लेन हो गया। एक उस साइड में होगा तो वो प्लेन होगा ADEB। ठीक है, ADEB ये पीछे के साइड का है। ठीक है प्लेन, तो एक प्लेन हो गया ADEB। ओके, तो तीन प्लेन बन रहे हैं इस प्रिज्म में। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो बेस है, ये दोनों साइड जो होती हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये अपर बेस लोअर बेस बोल सकते हैं, दोनों कैसे कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। अब हम देखिए, यहाँ पे तीनों की क्वेश्चन दिए, तो हमने मान लेते हैं कोई भी प्लेन को, तो इस वाले प्लेन को मान लेते हैं जो ADFC है, इस प्लेन को मान ले रहे हैं x-y+z+1=0। उसने बताया नहीं कि कौन सा प्लेन है, कौन से प्लेन की कौन सी क्वेश्चन है, वो तो मान सकते हैं। तो ये दूसरा जो है, दूसरे वाले को मान लेते हैं λx+3y+2z-3=0। एंड जो ये प्लेन है, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन है 3x+λy+z-2=0। तो हमने क्या किया, तीनों प्लेन्स को मान लिए हमने, ये प्लेन है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन है ये CF। ठीक है, तो जो लाइन CF है, इसके अगर हम DRs निकालना चाहें, तो ये देखिए दो प्लेन्स में आ रहा है, एक तो ADFC में आ रहा है एंड दूसरा आ रहा है BEFC में। तो ये BFC लाइन कॉमन है। तो हम मान लेते हैं लेट DRs ऑफ लाइन CF प्रोपोर्शनल टू A1 B1 C1, मान लेते हैं A1 B1 एंड कॉमा C1। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है। अब देखिए, जो ये लाइन के DRs होंगे और प्लेन, तो ये प्लेन और ये लाइन ADFC एंड ये लाइन, ये आपस में क्या है, लाइन एंड प्लेन पैरेलल है। जब भी आपस में ये पैरेलल होते हैं, तो इनके जो DRs के प्रोडक्ट का सम =0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके देखिए, इसके नॉर्मल के DRs क्या है, प्लेन के नॉर्मल के DRs, अगर हम इस प्लेन के नॉर्मल के DRs मीन्स डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो DRs मीन्स डायरेक्शन रेशियोज है, तो DRs शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो इसके जो नॉर्मल के DRs हैं वो हैं 1-1 एंड 1। इसके जो नॉर्मल के DRs हैं, ठीक है, प्लेन के नॉर्मल के DRs होते हैं, ठीक है, प्लेन के नहीं, उसके नॉर्मल के होते हैं, तो λ3 2। तो यहाँ पे DRs का मतलब है इसके नॉर्मल के DRs एंड यहाँ पे जो इसके DRs हैं वो है 3λ, 1। ओके, 3λ, 1। अब ये जो लाइन है FC इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसके DRs के इनके प्रोडक्ट का सम =0, तो आ जाएगा A1 × 1। देखिए A1 और ये, तो A1 × 1 - B1 + C1 = 0 आ जाएगा। एंड जो लाइन, देखिए लाइन जो CF है, ये किसके पैरेलल थी, इस प्लेन के ऊपर वाले की, और लाइन जो CF है, ये इस प्लेन के भी पैरेलल है, कौन सी, BEFC। तो ये जो लाइन है, ये किसके पैरेलल है, इस वाली भी प्लेन के, तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके इसके DRs और इनके प्रोडक्ट का सम जीरो आएगा, तो आएगा A1λ + 3B1 + 2C1 = 0। ठीक है, तो यहां पे आगे देखिए, DRs ऑफ ये लाइन CF लाइन,
इस प्लेन के भी पैरेलल है, इस प्लेन के भी पैरेलल है, क्योंकि उसी पे लाई कर रहा है, उस पे लाई कर रहा है, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी भी वो डी आर सेम होंगे, तो हम इसको पैरेलल मान सकते हैं। तो इनके डी आर के प्रोडक्ट का सम जीरो आएगा, तो ये हमने जीरो कर दिया। अब यहाँ से ए वन बी वन सी वन एंड कैलकुलेट करेंगे, दो इक्वेशन हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए वन अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ए वन लिखेंगे तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो आएगा माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू बी वन अपॉन, जब बी वन करेंगे तो आएगा लैम्डा माइनस टू, एंड सी वन अपॉन सी वन करेंगे तो ये आएगा तो थ्री माइनस माइनस लैम्डा, तो आ जाएगा प्लस लैम्डा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया क्रॉस। तो यहां से अगर हम डी आर यहां से निकल आएंगे तो ये जो नीचे लिखे होते हैं ये डी आर आ गए डायरेक्शन रेशियोज किसके, इस लाइन के। तो हेंस डी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी एफ क्या आ गए, माइनस टू माइनस थ्री क्या होगा माइनस फाइव, एंड ये है लैमडा माइनस टू एंड थ्री प्लस लैमडा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इसके। अब देखिए एक लाइन और है ए डी, अगर हम एक लाइन देख ले यहां पे ये लाइन है एडी, तो एडी लाइन ये देखिए ग्राफ में एडी लाइन जो है ये किस किस के प्लेन के पैरेलल है, एक तो प्लेन ये एडीएफसी है, एक तो प्लेन ये हो गया, और दूसरा प्लेन इसके पीछे एडीईबी मींस ये वाला, ठीक है। तो अब इस लाइन के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो इसके भी मान लेते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एडी, एडी के मान लेते हैं ए टू बी टू सी टू। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो डी आर है ये लाइन है इस प्लेन के क्या है, ये लाइन इस प्लेन के पे लाई कर रही है, लाई कर रही पैरेलल कर रही, तो सेम कंडीशन लगाएंगे तो इनके डी आर के प्रोडक्ट का सम जीरो आ जाएगा, तो आएगा ए टू माइनस बी टू प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब देखिए यही है तो लाइन इस प्लेन पे भी है, तो इसके भी सेम वही चीज है, तो ए टू थ्री ए थ्री ए टू प्लस लैम्डा टाइम्स बी टू प्लस टू टाइम्स सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर फोर हो गई। अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस दो इक्वेशंस हैं और तीन अननोन है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे और हम लोग यहां से डी आर निकालेंगे, तो सेम मेथड वही है। तो यहां पे लिखेंगे ए टू अपॉन इन दोनों का आएगा तो माइनस टू माइनस लैम्डा, यहां पे जब हम लोग करेंगे तो आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये थ्री लैम्डा वन है, थ्री लैम्डा वन है प्लेन थ्री, तो यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। तो ये वन आ जाएगा थ्री लैम्डा वन और ए वन बी वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल टू बी टू अपॉन, यहाँ पे आएगा थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन अपॉन सी टू अपॉन, तो सी टू अपॉन करेंगे तो सी टू में इन दोनों के टर्म्स का कोफिशियंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा लैम्डा माइनस थ्री, तो प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हेंस जो डी आर्स आएंगे किसके, इस लाइन के, हेंस डी आर्स ऑफ लाइन ए डी के आ जाएंगे। तो सिंपल से जो इनके डिनोमिनेटर में यही डी आर्स होते हैं माइनस लैम्डा, थ्री में वन गया टू एंड लैम्डा प्लस थ्री, ठीक है। तो डी आर्स आ गया लाइन, कौन कौन सी लाइन के आ गए, एक ए डी के आ गए एंड सी एफ के आ गए, ठीक है। तो सी एफ के डी आर्स कहां पे लिखे हैं, सी एफ के लिखे इसको नंबर वन दे देते हैं, ए डी के लिखे इसको नंबर टू दे देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है कौन कौन सी, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो लाइन जो ए डी एंड सी एफ है ये क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही प्लेन पे लाई कर रही, देखिए लाइन तो एक ही प्लेन पे, तो ये लाइन आपस पैरेलल होंगी। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम लिख देते हैं सिंस लाइन सी एफ एंड ए डी आर पैरेलल, तो इनके डी आर्स का क्या होगा, रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो इनके डी आर्स का रेशियो इक्वल कर देते हैं। तो ये देखिए इसके डी आर्स ये हैं, इसके डी आर्स ये हैं, तो आएगा माइनस फाइव अपॉन माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू, ये थर्ड है थ्री प्लस लैम्डा अपॉन थ्री प्लस लैम्डा, इसको बोल सकते हैं लैम्डा प्लस थ्री है, ठीक है, चलो यही लिख देते हैं। तो अब देखिए ये बराबर हो गए क्योंकि ये पैरेलल है लाइन, ठीक है। तो अब कोई भी दो को इक्वल कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा तो आएगा माइनस टेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस टेन इधर से गया तो इधर आ जाएगा माइनस वन माइनस लैम्डा, तो माइनस टाइम्स वन प्लस लैम्डा एंड लैम्डा माइनस टू, ठीक है, ये हमने कर लिया।
तो यहाँ से अब ये माइनस इधर आ गया तो ये होगा प्लस का 10, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस माइनस का 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो आएगा माइनस का लैम्डा, एंड ये 10 इधर आएगा तो आएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आएंगे, एक लैम्डा माइनस 4 आएगा लीनियर फैक्टर, एक आएगा लैम्डा प्लस का 3। ठीक है, इसके लीनियर फैक्टर, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यूज आ रही है 4 और माइनस 3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसमें कौन सी वैल्यू सही है। तो देखिए, अगर ये लैम्डा की वैल्यू सही है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लैम्डा को यहां पे रखें, 4 चेक करते हैं, तो 4 रखिए तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 मतलब 2 आना चाहिए। यहां पर भी देखिए 4 रखने पे 4 माइनस 2 अपॉन 2 4 2 आना चाहिए। अब यहां पर भी रखते हैं लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा इक्वल टू 4 यहां पर भी रखेंगे तो आएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 5 माइनस 5 1 आ रहा है, तो यहां पर भी 4 माइनस 2 अपॉन 2 2 मतलब 2 अपॉन 2 मतलब 1, यहां भी 1 आना चाहिए। तो यहां पे 4 रखते हैं तो 4 प्लस 3 1 आ रहा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा तीनों को। लेकिन ये देखिए, ये डिनोमिनेटर को 0 कर दे रहा, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 4 आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो पूछा था कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो आंसर इज 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।